हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ची क्रिएशंस। इस वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही प्रेटी निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ, जिसे हम अपने किसी भी कार्डिगन पे, जैकेट पे, स्वेटर पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल 14 के मल्टीपल और प्लस 9 एक्स्ट्रा स्टिच और प्लस 2 एड स्टिच का पैटर्न है और ये 20 रोज में बन के कम्प्लीट हो जाता है। ये राइट साइड से कुछ ऐसे दिखाई देता है और ये रॉन्ग साइड से ऐसे दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट द पैटर्न। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द पैटर्न, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपनी नीडल पे टोटल 25 स्टिचेस लिए हैं, 14 प्लस 9 एक्स्ट्रा स्टिच एंड प्लस 2 एड स्टिचेस। सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट रो। राइट साइड स्लिप द एड स्टिच, एड स्टिच को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। आफ्टर दैट निट टू स्टिचेस, टू स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे। आफ्टर दैट आर पैटर्न विल बी स्टार्ट एंड आर पैटर्न इज, ये जो टू स्टिचेस हैं उन्हें आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाएंगे। निट टू स्टिचेस टूगेदर, देन यार्न ओवर किया, धागे से सिलाई पे घुमाया, निट वन स्टिच, एक स्टिच को हमने सीधा बुना, अगेन यार्न ओवर किया, टू स्टिचेस को राइट नीडल पे स्लिप किया एंड वी विल डू स्लिप स्लिप नेट, इनका दो का एक बनाएंगे ऐसे करके। देन निट नाइन स्टिचेस, नाइन स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो, पूरी रो में हम अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 9 स्टिचेस बचेंगे, तो उसका क्या करेंगे, टू स्टिचेस को आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस टूगेदर फ्रॉम द फ्रंट साइड लाइक दिस, आफ्टर दैट यार्न ओवर, निट वन स्टिच, एक स्टिच सीधा, अगेन यार्न ओवर, स्लिप टू स्टिचेस ऑन द राइट नीडल एंड वी विल डू स्लिप स्लिप निट, हम दो का एक बनाएंगे ऐसे करके। देन निट टू स्टिचेस, टू स्टिचेस सीधे, लास्ट में हमारे पास एड स्टिच बचेगा, देन वी विल निट द एड स्टिच ऑल्सो, इसे भी हम सीधा ही बुन लेंगे। सेकेंड रो रॉन्ग साइड, वी विल पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो हम सारी की सारी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो राइट साइड, स्लिप द एड स्टिच, एड स्टिच को हमने स्लिप किया, आफ्टर दैट यार्न इन फ्रंट, पर्ल वन स्टिच, एक स्टिच को उल्टा बुना। अब इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा। आफ्टर दैट आर रिपीट पैटर्न विल बी स्टार्ट एंड आर पैटर्न इज, यार्न इन बैक, इन टू स्टिचेस को हम आगे की तरफ से दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस फ्रॉम द फ्रंट साइड, निट टू स्टिचेस टूगेदर फ्रॉम द फ्रंट साइड लाइक दिस, आफ्टर दैट यार्न ओवर, निट थ्री स्टिचेस, धागा से लाइफ पे घुमाएंगे और थ्री स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे, अगेन यार्न ओवर किया, स्लिप टू स्टिचेस ऑन द राइट नीडल एंड वी विल डू स्लिप स्लिप निट लाइक दिस, दो का एक बनाया, देन यार्न इन फ्रंट, पर्ल सेवन स्टिचेस, सेवन स्टिचेस उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो, पूरी रो में हम अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हमारा एड स्टिच है, आफ्टर दैट पर्ल वन स्टिच, इसके बाद हमारा पैटर्न शुरू हुआ है एंड द पैटर्न इज, निट टू स्टिचेस टूगेदर, यार्न ओवर, निट थ्री स्टिचेस, यार्न ओवर, स्लिप स्लिप नेट, पर्ल सेवन स्टिचेस। लास्ट में हमारे पास 9 स्टिचेस बचेंगे, तो उसका क्या करेंगे, यार्न इन बैक, निट टू स्टिचेस टूगेदर फ्रॉम द फ्रंट साइड लाइक दिस, देन यार्न ओवर, निट थ्री स्टिचेस, थ्री स्टिचेस सीधे, वन टू एंड थ्री, यार्न ओवर, स्लिप टू स्टिचेस ऑन द राइट नीडल एंड वी विल डू स्लिप स्लिप निट लाइक दिस, यार्न इन फ्रंट, पर्ल वन स्टिच, एक स्टिच उल्टा, लास्ट में हमारे पास एड स्टिच बचेगा, तो उसे हम सीधा बुनेंगे, यार्न इन बैक, निट द एड स्टिच।
फोर्थ रो वी विल पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द फोर्थ रो, फोर्थ रो हम सारी की सारी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो, फिफ्थ रो विल बी सेम एज ऑफ अ फर्स्ट रो, जैसे हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी फिफ्थ रो भी वैसे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। सिक्स्थ रो वी विल पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द सिक्स्थ रो ऑल्सो, सिक्स रो भी सारी की सारी हम उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। सेवन्थ रो, सेवन्थ रो इज सेम एज ऑफ अ थर्ड रो, जैसे हमने अपनी थर्ड रो बनाई थी सेवन्थ रो भी वैसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। एट्थ रो वी विल पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द एट्थ रो, एट्थ रो भी हम सारी की सारी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो, नाइन्थ रो इज सेम एज ऑफ अ फर्स्ट रो, नाइन्थ रो हम सेम बनाएंगे जैसे हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी। टेंथ रो वी विल पर्ल ऑल द स्टिचेस इन द टेंथ रो, टेंथ रो भी हम सारी की सारी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। इलेवेंथ रो स्लिप द एच स्टिच, एच स्टिच को स्लिप किया, आफ्टर दैट आर पैटर्न विल बी स्टार्ट एंड द पैटर्न इज निट नाइन स्टिचेस, नाइन स्टिचेस सीधे वन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, निट नाइन स्टिचेस। देन इन टू स्टिचेस को हम आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाएंगे, निट टू स्टिचेस टुगेदर फ्रॉम द फ्रंट साइड लाइक दिस, देन यार्न ओवर निट वन स्टिच, एक स्टिच सीधा, अगेन यार्न ओवर, स्लिप टू स्टिचेस ऑन द राइट नीडल एंड वी विल डू स्लिप स्लिप निट, इनका दो का एक बनाएंगे लाइक दिस। वी विल रिपीट दिस पैटर्न इन द होल रो, पूरी रो में हम अपना यही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास 10 स्टिचेस बचेंगे तो उसका क्या करेंगे, इन सभी को हम सीधा बुन लेंगे, निट द लास्ट 10 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 12th row we will purl all the stitches in the 12th row, 12th row हम सारी की सारी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। 13th row slip the edge stitch, edge stitch को slip किया, then yarn in front, purl one stitch, एक स्टिच उल्टा, after that our pattern will be start, अब इसके बाद से हमारा पैटर्न शुरू होता है, and the pattern is purl seven stitches, 1 2 3 4 5 6 and 7, purl 7 stitches, 7 stitches उल्टे, yarn in back, in 2 stitches को आगे की तरफ से इनका दो का एक बनाएंगे, knit 2 stitches together from the front side like this, then yarn over, knit 3 stitches, 3 stitches सीधे, 1 2 and 3, then again yarn over here, slip 2 stitches on the right needle and we will do slip slip knit, inka 2 ka 1 banayenge like this. We will repeat this pattern in the whole row, puri row mein hum apna yahi pattern repeat karte jayenge. Last mein hamare paas 9 stitches bachenge to uska kya karenge, yarn in front, purl 8 stitches, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 stitches उल्टे, and yarn in back, knit the edge stitch को हम सीधा बुन लेंगे। 14th row we will purl all the stitches in the 14th row, 14th row हम सारी की सारी उल्टी बुन के complete कर लेंगे। 15th row, 15th row will be same as of our 11th row, जैसे हमने अपनी 11th row बनाई थी 15th row भी वैसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। 16th row we will purl all the stitches in the 16th row, 16th row भी सारी की सारी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। 17th row, 17th row will be same as of our 13th row, जैसे हमने अपनी 13th row बनाई थी वैसे ही 17th row बना के कंप्लीट कर लेंगे। 19th row we will purl all the stitches in the 19th row,
19 रो विल बी सेम एज ऑफ ए 11th रो, जैसे हमने अपनी 11 रो बनाई थी वैसे ही 19 रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। 20th रो वी विल पर्ल ऑल द स्टिचेज इन द 20th रो, 20th रो भी सारी की सारी हम उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आफ्टर द 20 रोज ये पैटर्न हमारे पास ऐसे बन के तैयार हो गया। इसके बाद फिर से हम अपनी 1 to 20 रोज बीट करते जाएंगे तो हमें कंटिन्यूली अपना खूबसूरत सा ये पैटर्न ऐसे करके मिल जाएगा। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉइंग निटिंग विद अस।